हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर साहब बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे एंटीबायोटिक्स आता है, आपको नाम पूछता है कि कौन सा एंटीबायोटिक्स है और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिससे वो एंटीबायोटिक निकलता है। ठीक, तो एक ऐसा ही आपका बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसीज, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत सारे टाइप के एंटीबायोटिक्स जो है प्राप्त होते हैं हमें, और जो कॉमन मोस्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका मैं यहाँ पे आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो चार आपके एंटीबायोटिक हैं। पहला आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन है जिसको हम क्लोरो टेट्रासाइक्लिन भी बोलते हैं, और चौथा क्लोरोमाइसिन है जिसको हम लोग क्लोरामफेनिकॉल भी बोलते हैं, और फोर्थ वन इज नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन ही है। अब इस चारों को याद करने के लिए कि ये किस ऑर्गेनिज्म से निकलता है, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिस किस स्पीसीज से, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन है स्ट्रेप्टो, और इसका कौन सा निकलता है किस स्पीसीज से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से। ठीक, अब देखिए ग्रीसियस है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेप्टो का ट्रेप्टो ले लीजिए, ट्रेप्टो स्टार्ट विथ टी, और ग्रीसियस का आप समझ लीजिए ऐसे ही, उससे मिलता जुलता शब्द क्या है, जीसस, ट्रेप्टो जीसस। अब ये जो पहला पिक्चर है इसको आपको पिक्चर से ही याद रखना है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने पास रखिए। एक दिन आप केवल इसमें मेहनत करेंगे, मतलब आपको ये पिक्चर बार बार देखना है और नाम को मिलाना है उससे, आपको ये याद हो जाएगा। ट्रिप्टो जीसस से याद रखिएगा, आप जो यहाँ पे आप जीसस को देख रहे हैं, यहाँ पे इनके पीछे ये जो लगा हुआ है जिसपे इनको ये लटकाया गया था, ये टी शेप्ड का है। तो ट्रिप्टो जीसस से आप याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, और कौन सा है स्ट्रेप्टोमाइसिस का स्पीसीज जिससे मिलता है हमें, ग्रीसस से, ग्रीसस जीसस एंड स्ट्रेप्टो ट्रिप्टो, ट्रिप्टो जीसस, कभी नहीं आप बोलेंगे ट्रिप्टो स्ट्रेप्टोमाइसिन और जीसस स्पीसीज ग्रीसस। सेकेंड वन इज टेट्रासाइक्लिन, इसे आप क्लोरो टेट्रासाइक्लिन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइक्लिन है, साइक्लिन है, साइक्लिन का मतलब आप साइक्लिन समझिए, और जो इसका स्पीसीज है स्ट्रेप्टोमाइसिस का वो कौन सा है, ऑरियोफेसियंस। अब ऑरियो से आप रिलेट करिए ओरियो को, और साइक्लिन तो साइक्लिन है ये। अब ये आप ये जो बिस्किट होता है ओरियो का, आप समझिए ये साइक्लिक होता है। ठीक है, तो क्या आप इसे याद रखिएगा, ओरियो साइक्लिन, ओरियो साइक्लिन। तो आप कभी नहीं बोलेंगे कि साइक्लिन जो है, टेट्रासाइक्लिन जो है, इसका कौन सा स्पीसीज है स्ट्रेप्टोमाइसिस का, ऑरियोफेसियंस। थर्ड वन इज क्लोरोमाइसिटिन, इसको हम क्लोरामफेनिकॉल बोलते हैं, दोनों नाम जो है एग्जाम में आता है आपका। अब यहां से टिन ले लीजिए और यहां से कॉल ले लीजिए, कॉल्टिन से आप याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, क्लोरोमाइसिटिन और क्लोरामफेनिकॉल। और अब जूली भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो है जिससे निकलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस विनजूली, तो विनजूली से जूली याद रखिएगा, और ये कॉल्टिन, कॉल इसका, टिन इसका, कॉल्टिन, जूली कॉल्टिन। अब याद रखिए इससे, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसका नाम, इस लड़के का नाम जूली है, इस लड़के का नाम कॉल्टिन है, सो दे लव ईच अदर, एंड फिर जूली कॉल्टिन से आप कभी नहीं भूलेंगे, जूली विनजूली, कॉल्टिन का मतलब कॉल, टिन या क्लोरोमाइसिन की बात हो तो टिन, क्लोरामफेनिकॉल की बात हो तो कॉल, और जूली कॉल्टिन को आप मत भूलिएगा। फोर्थ वन इज नियोमाइसिन, जो किस स्पीसीज से निकलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस का, फ्रेडी से। तो ये ब्रांड न्यू जो है ये टर्म मत भूलिएगा, ये पिक्चर, ब्रांड इज इक्वल टू फ्रैट, ये जो स्पीसीज है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, फ्रैट, फ्रैट ब्रांड न्यू, न्यू ब्रांड न्यू मीन्स नियोमाइसिन का कौन सा स्पीसीज, फ्रेडी, फ्रैट न्यू, ब्रांड न्यू। तो फर्स्ट वन इज ट्रिप्टो जीसस, ओरियो साइक्लिन, जूली कॉल्टिन, ब्रैड न्यू, फ्रैड न्यू। ओके, तो ये चार चीज है। अब आप इससे जो है कभी भी ये जो है कौन सा एंटीबायोटिक है आपका और उसका कौन सा स्ट्रेप्टोमाइसिस का किस स्पीसी से निकलता है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। इस पिक्चर को अपने साथ रखिए, एक दिन याद रखिए, फिर जो क्वेश्चन है उसका आंसर्स लगा के देखिए, आप हमेशा से इसका कौन सा स्पीसीज है ये आप आराम से लगा लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको देगा इस तरीके का जिसमें ये हो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किस स्पीसीज से निकलता है, टेट्रासाइक्लिन किस स्पीसीज से निकलता है, क्लोरोमाइसिन किस स्पीसीज से निकलता है स्ट्रेप्टोमाइसिस का या नियोमाइसिन, तो आप हमेशा से करेक्ट करेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको जो MCQ है कोई भी सॉल्व करेंगे वो जरूर जो है सही होगा। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल
मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं बहुत सारे ट्रिक्स टिप्स वीडियो लेक्चर्स लगातार लाते रहता हूँ, और आपको वो सारे PDF वगैरह जो भी कुछ हैं वो मैं सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, क्योंकि आपको इस चैनल पर ही मिलेंगे। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।